फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी जगह पर ठहरी हुई हूं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। मुंबई छोड़ो, किसी भी शहर में इस तरीके का वेल क्लीन, वेल मेंटेन और बहुत ज़्यादा शांति बहुत कम मिलती है जगहों पे जहाँ पर हम सब लोग जाते हैं कि भाई हमें शांति की तलाश है। पर अंडमान आना मतलब पता है थोड़ा महंगा पड़ जाएगा और स्ट्रगलिंग भी है बहुत। मतलब पहले चेन्नई आओ, फिर आप इधर आओ, तो बहुत वो है। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप आते हो तो सच में मतलब एक दिन तो घूमने के उससे आ रहे हो और एक दिन अपना बैठो, मुझे बहुत अच्छा। तो मैं भी नहा धो ली हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड में हूँ। बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पर ठहरी हुई हूँ। आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पर ठहरी हुई हूँ। तो ये चमकीली पगडंडी जो रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, और ये इधर साइड में ये कॉटेज है। ये अलग अलग झोपड़ी नुमा कई सारे कॉटेज हैं, और कॉटेज में जाने के लिए, हर एक कॉटेज की तरफ जाने के लिए रास्ता सीमेंट वाली पगडंडी। तो ये हम बड़े साइड में हमें एक नल मिला जो कि बड़ा रोमांटिक सा लग रहा था मुझे। और फिर चमकीली पगडंडी, फिर दूसरे कॉटेज में जाने के लिए दूसरी पगडंडी, ऐसे हम लोग आगे बढ़े। और ये कॉटेज के जस्ट अपोजिट में एक बड़ा सा गार्डन जहाँ पर सिर्फ। तो मैं कभी सोचती हूँ कि मेरा घर भी ऐसे ही इतना बड़ा सा। मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब में कि ग्रीनिश हो। मैं इतनी थक रही हूँ ना, इतनी थक रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बाहर ही बैठी हूँ, क्योंकि इतनी फ्रेशनेस, इतना अच्छा नहीं मिलता। और छोटा सा ही है ये रेस्टोरेंट है। तो ये यहाँ से आई मैं, और ये मैं अपने कॉटेज में आ गई। यहाँ पर कपड़े धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रेत होता है कि हम उस रेत को कैरी कर ही नहीं सकते। अभी रूम फैला हुआ है, लेकिन आपको रूम दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा रूम, काफ़ी नीट, नो तामझाम उसके साथ। अगर आपको मेरा जहाँ मैं ठहरी हूँ ये जगह, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। कल निकलेंगे, कल हम कहाँ निकल रहे हैं? पोर्ट ब्लेयर के लिए ना। कल हम पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल रहे हैं। छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं बहुत ही बताया, पूरी स्किन बर्न हो रही है, पूरा सब हो रहा है। तो मैं आते से रोज एंटी टैनिंग पैक लगा रही हूँ, पूरे हाथ सब बर्न होते जा रहे हैं। तो रोज एंटी टैनिंग पैक लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी स्किन डैमेज कम होकर रोज के रोज अगर मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मतलब बर्निंग से हम बचा ही नहीं सकते, बर्न तो होना ही है पूरा। तो पर जितना कम बर्न हो, जितनी जल्दी हम रिपेयर कर सकें अपनी स्किन को, उतना ज़्यादा बेटर है। तो बस वही कर रही थी। चलो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।